कंपनी है, कमाए के बहुत बने, इनको लग रहा साने बन रहे, अगले लग रहे बहुत फनी, पसंद जाके नाम ले रहा, इसलिए रिप्लाई में गाला खा रहा और गाल दे रहा, का नाम ले रहा फिर चल रहा घर तेरा, खुद के पैसा नहीं है बोलता दोस्त। तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका हूं आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है। और गाइस अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस आपको इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको लाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास लाइट मोशन नहीं है तो आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए गाइस बढ़ते अपने एडिटिंग की तरफ। तो गाइस आपको सबसे पहले करना क्या होगा, प्लस पे क्लिक करना है और 9:16 वाला रेशियो सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ से क्लिक करके आप अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली आप अपना कोई भी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया करना, फिर शेयर वाला आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम इस PNG पे एक्सपोर्ट करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा, आपको थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना है और इस इमेज को जो है इस तरह से सेव कर लेना, ठीक है। फिर बैक आना, इमेज को डिलीट करना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पर जाना, फिर आपको नेक्स्ट फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया करना, शेयर वाला आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम इस PNG पे एक्सपोर्ट करना। तो इस तरह से फिर आपको क्या करना होगा, थोड़ी देर वेट करना और इस इमेज को भी यहाँ से सेव कर लेना है, ठीक है। तो गाइस इस तरह से आपको टोटल जो है 5 इमेजेस को क्रॉप कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली बैक आना है और आपको चले जाना है अपने प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो गाइस प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दो प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, एक है शेक इफेक्ट और एक है बीटमार प्रोजेक्ट। तो आप इसलिए डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको अपने बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ठीक है। तो गाइस जैसे आप अपने बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का लेयर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेयर सब जगह पूरा एंड तक देखने को मिलेगा और आपको कोई भी अलग से इफेक्ट को ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जो मैंने पहले से ऐड करके दे दिया सब कुछ, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना, टेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। और उसके बाद ऊपर से क्लिक करके आपको लाइट मोड से सिलेक्ट करने के बाद आपको कोई भी अपना एक इमेज को सिलेक्ट करना, प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो देख सकते हैं ये इमेज आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जितना भी लेयर दिख रहा है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आपका डबल बीट मार्क है, इससे पहले जो भी ये लेयर है सेम आपको वही इमेज को ऐड कर देना, लेयर पे क्लिक करना, कलर एंड फिल पे क्लिक करना, टेक्स्ट पे क्लिक करना, फिर आप अपने वही सेम इमेज को सिलेक्ट करना और प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो देख सकते हैं ये इमेज आपको कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको दोनों लेयर में भी ऐड कर लेना है, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सब जगह हमने सेम इमेज को ऐड कर लिया, इस तरह से आपको लेयर में कर लेना है। उसके बाद आपका डबल बीट मार्क है, यहाँ पर आना है डबल बीट मार्क के बाद, फिर यहाँ पर क्लिक करना, कलर एंड फिल पे क्लिक करना, टेक्स्ट पे क्लिक करना, फिर अपना कोई दूसरा इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट करना, फिर यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देना। उसके बाद जो यहाँ पर जितना भी लेयर मिलेगा, जैसे डबल बीट मार्क यहाँ पर आ रहा है, इससे पहले जो भी है तीन लेयर है आपका, सेम इमेज को ऐड कर देना, ठीक है, सब लेयर में। तो इस तरह से गाइस आपको यहाँ पर अपने इमेजेस को ऐड करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर भी ऐड कर दिया इमेज इसको, उसके बाद आपको फिर डबल बीट मार्क मिल जाएगा, आपको यहाँ पर आ जाना है, फिर आपको नेक्स्ट इमेज कोई दूसरा को ऐड करना है और सब लेयर में एक इमेज को पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया एक इमेज को, फिर आपका जितना भी लेयर मिलेगा यहाँ पर डबल बीट मार्क से पहले ये जितना भी इमेज रहेगा सब में ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सब में इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। सो फाइनली गाइस आप यहाँ देख सकते हो सब इमेजेस को यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आपको इस तरह से ऐड कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आना है और आपको चले जाना है अपने शेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पर, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना, सिलेक्ट ऑल लेयर करना, लास्ट वाले लेयर को अनटिक करना, प्लस पे क्लिक करके कॉपी फोर लेयर करना, फिर बैक आ जाना, ठीक है। बीटमार प्रोजेक्ट पर जाना और यहाँ से प्लस पे क्लिक करके पेस्ट फोर लेयर कर देना। उसके बाद आपको पूरा एंड तक आना है, ठीक है। और यहाँ से फिर चार लेयर को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पे क्लिक करके पूरा एंड तक ले आना। उसके बाद आपके फोटो में काफ़ी अच्छा कलर ग्रेडिंग आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको जाना है शेयर वाला आइकन पे, वीडियो क्वालिटी को सिलेक्ट करना, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो अब मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।